जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर हम लोग किसी भी दो टर्म को अगर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या इक्वेट करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं या इक्वल टू करते हैं, तो उस हर एक टर्म का डायमेंशन कैसा होगा? तो आंसर डायमेंशन सबका सेम होगा। क्वांटिटी कैसी होगी? तो आंसर है क्वांटिटी सबकी, उन क्वांटिटी का जो नेचर है वो कैसा होगा? सेम होगा। जैसे कि मैंने बता के भी रखा हुआ है पहले कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां बोला गया कि हर एक जो भी इक्वल किया है, इक्वल टू किया, हर एक टर्म का डायमेंशन कैसा होगा? सेम होगा। टर्म का डायमेंशन सेम होगा, इसका मतलब क्या हुआ? टर्म कैसे पहचानते हैं हम लोग? पहले देखो, ये हमारा हो गया एक टर्म, इक्वल टू क्रॉस किए, ये हमारा हो गया दूसरा टर्म, प्लस आए, ये हमारा हो गया तीसरा टर्म। ये एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। पहले टर्म समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस प्रिंसिपल को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। उसके बाद अगर हमें बोला गया है a इक्वल्स टू बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी बाई ई प्लस एफ, पहचानो कितने टर्म है? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म। याद रखना है, टर्म तभी बढ़ता है जब इक्वल टू साइन आता है, प्लस साइन आता है या माइनस साइन आता है। यहाँ पे एक टर्म है, इक्वल टू आया, यहाँ पे दो टर्म हो गया, ठीक है, एक और बढ़ गया, यहाँ पे तीसरा टर्म हो गया, यहाँ पे चौथा टर्म हो गया, तो कितने टर्म हो गए यहाँ पे? चार टर्म हो गए। तो अगर मान लो कोई हमको फॉर्मूला दिया गया, टाइम पीरियड किसी चीज का बोला गया, टू पाई रूट ओवर एल बाय जी, तो यहाँ पे ये एक टर्म हो गया, इक्वल टू साइन आ गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये एक टर्म, ये एक टर्म, कुल कितने हो गए? दो टर्म। क्लियर? सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्म्स। अब बात आती है जब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि कभी भी हम किसी भी चीज को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो उनका डायमेंशन कैसा होगा? तो आंसर है सेम होगा। अब जैसे देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, हम देखते हैं अगर मान लो किसी इसका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से एक कुछ हम लोग बात समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लो अगर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे तीनों टर्म का जो डायमेंशन है ना कैसा होगा? सेम होगा। अगर इक्वेशन सही है तो तीनों टर्म का डायमेंशन कैसा होगा? सेम होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे s डिस्प्लेसमेंट है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? l, ut का क्या हो जाएगा? l t माइनस वन इंटू टी, दैट इज l, क्योंकि u का हमने पढ़ के रखा था वो क्या था? u था वेलोसिटी, वेलोसिटी का था डिस्टेंस l बाय t, तो क्या हो जाएगा? l t माइनस वन हो जाएगा, इंटू टी कर दिया तो ये वन माइनस वन होकर जीरो आ जाएगा। इसका डायमेंशन देखा जाए तो ये हाफ एक प्योर नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ये ए क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या था? एल टी माइनस टू, याद करो एक्सेलरेशन था वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन होता है, टाइम का टी होता है, टी ऊपर चला गया, एल टी माइनस टू बचा, एल टी माइनस टू इंटू टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, एल बचेगा। डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो गया?
एटी स्क्वायर का हो गया। तो देखो तीनों टर्म यहाँ पे कैसे आ रहे, तीन टर्म थे ठीक है, तीनों टर्म के डायमेंशन कैसे आ रहे हैं, तो आंसर सेम आ रहे हैं। अब याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हेल्प से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कुछ ऐसे आएंगे, देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि हमें ना चेक करने के लिए बोला जाता है, चेक करके बताओ क्वेश्चन कैसा रहेगा। देखो इस टॉपिक पे से, और ये जो हम डायमेंशंस पढ़ रहे हैं ना, इसका ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट यूज है। क्वेश्चन कैसा रहेगा, चेक ए फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस करेक्ट और नॉट करेक्ट है। खाली जहां पे v हमें क्या दिया गया है, v है फाइनल वेलोसिटी u है इनिशियल वेलोसिटी s a है एक्सेलरेशन s है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो हमको पूछा जाएगा कि फॉर्मूला सही है कि नहीं है, तो हम ऐसे सवाल में क्या करेंगे, हर एक टर्म का डायमेंशन चेक करेंगे। अगर हर एक टर्म का डायमेंशन सही आ रहा है ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ठीक है ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही है। ये ऐसी बात कौन कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दिया गया है, हर एक टर्म का डायमेंशन अगर सेम आएगा तो वो फॉर्मूला कैसा हमारा होगा, सही होगा। तो इसको हम यहाँ पे कितने टर्म है देखो, तो एक टर्म दो टर्म तीन टर्म ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म, ये v है ना, तो v वेलोसिटी हो जाता है, तो एल टी माइनस वन का स्क्वायर, ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस वन। फिर लिखेंगे डायमेंशन ऑफ सेकेंड टर्म, ये हो जाएगा एल टी माइनस वन का स्क्वायर, ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू। डायमेंशन ऑफ थर्ड टर्म, ये क्या हो जाएगा, टू इंटू टू तो कॉन्स्टेंट हो गया, ए फॉर एक्सेलरेशन, एल टी माइनस टू होता है एक्सेलरेशन का, इंटू ये s क्या डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, l होता है, l स्क्वायर t माइनस टू। याद रखना कि डिस्टेंस ठीक है, चाहे तुम्हें कोई भी बोला जाए, लेंथ बोला जाए, ब्रेथ बोला जाए, हाइट बोला जाए, रेडियस बोला जाए, डायमीटर बोला जाए, उसके बाद डिस्टेंस बोला जाए, डिस्प्लेसमेंट बोला जाए, ये सब स्केल से मेजर होते हैं, इन सब का डायमेंशन एल ही होगा ठीक है। जिसको भी स्केल से मापते ना उसका डिस्प्लेसमेंट एल ही होता है। अच्छा तो ये हो गया हमारा, अब देखो तो फर्स्ट टर्म का डायमेंशन एल स्क्वायर टी माइनस टू, सेकेंड टर्म का डायमेंशन एल स्क्वायर टी माइनस टू, थर्ड टर्म का डायमेंशन एल स्क्वायर टी माइनस टू। तीनों टर्म के जो डायमेंशन आ रहे हैं ना सेम आ रहे हैं ठीक है, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, सिंस डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इज करेक्ट, देयरफॉर फॉर्मूला इज डायमेंशनली
करेक्ट, ठीक है, ये हमारा हो गया। अगर हर एक टर्म का डायमेंशन अगर सेम आता है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि फॉर्मूला कैसे डायमेंशनली करेक्ट। तो ये हमारा मेथड होता है, हम जो चैप्टर यूनिट डायमेंशन पढ़ रहे हैं ना, उसपे सब तीन इसके इंपॉर्टेंट यूज पढ़ेंगे। सबसे पहला यूज होता है कि हमको चेक करना होता है कि फॉर्मूला सही है कि गलत। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट यूज याद रखना है, जब भी कोई साइंटिस्ट कोई नया फॉर्मूला देता है ना, तो उस फॉर्मूले को पहले चेक किया जाता है डायमेंशन से कि फॉर्मूला सही है कि नहीं। क्लियर? अच्छा, अब देखो यहां पर एक चीज ध्यान से समझना, ये हमारा फॉर्मूला कैसे डायमेंशनली करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। यहां मैंने लिखा डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्लियर कर देता हूं, डायमेंशनली करेक्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as है, तो ये जो 2r है ना, ठीक है, ये 2 जो है, अगर यहां पे 2 के बदले 3 आ जाता, ठीक है, या 2 के बदले अगर यहां पे किसी ने 3 लिख दिया होता, तो क्या होता, तो भी ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होता। डायमेंशनली ये एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर टी माइनस टू, लेकिन ये 3 की वजह से क्या होता है, डायमेंशन से बता नहीं सकते कि यहाँ 3 आएगा कि 2 आएगा, तो ये फॉर्मूला वैसे गलत है, लेकिन डायमेंशनली अभी भी सही है। हर एक टर्म का डायमेंशन अभी भी कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो याद रखना है कि डायमेंशन से हम ये बता सकते हैं कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, उसके कॉन्स्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, तो देन इट विल बी, इट कैन बी करेक्ट। देन इट कैन बी करेक्ट। ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट है मतलब कि वो सही हो सकता है, गारंटी उस बात की नहीं है। ठीक है, हमने देखा कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, हाँ ये सही हो सकता है। ठीक है, इस कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर वो चेक करना पड़ता है हमको। लेकिन इफ फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, अगर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, देन इट कांट बी करेक्ट। वो गलत है तो गलत है, बिल्कुल गलत है। समझ में आया कि यहाँ? तो हम क्या करते हैं, पहले फॉर्मूले को देखते हैं कि वो उसके हर एक टर्म के डायमेंशन सेम आते कि नहीं आते। सेम आ रहे तो बहुत बढ़िया बात है, वो फॉर्मूला सही हो सकता है। ठीक है, ठीक है, वो फॉर्मूला फिर हम उसको आगे चेक करते हैं, उसके कॉन्स्टेंट के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट सब सही बैठे कि नहीं बैठे, वो भी सही बैठे तो फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हमने देखा कि कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है, जैसे मान लो किसी ने फॉर्मूला दे दिया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as स्क्वायर, हमने देखा कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट आएगा, या फिर एस स्क्वायर आएगा तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमने देखा कि डायमेंशनली इनकरेक्ट है, मतलब इस फॉर्मूले को डंप कर दो, ठीक है, डस्टबिन में डाल दो। ठीक है, ये फॉर्मूला कोई काम का नहीं है, बेकार फॉर्मूला। ठीक है, ये यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। डायमेंशनली इनकरेक्ट मतलब गारंटी है कि वह इनकरेक्ट है, उसको हटा दो। करेक्ट है, उस पर आगे चेकिंग करते हैं हम लोग कि कॉन्स्टेंट के कॉन्स्टेंट चेक करते हैं, जब वो भी सही आ रहा तो फॉर्मूला में एक्सेप्ट करें। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इरेज कर देता हूं मैं। अभी आगे पूछा जाएगा कि हमसे, हमें ये बताओ कि जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमें बोला गया क्वेश्चन है टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π रूट एल बाय जी, टी बोला गया टाइम पीरियड है, और उसके बाद एल बोला गया लेंथ है, जी बोला गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है।
ठीक है, ये तीन चीजें हमको बताई गई है। टाइम पीरियड किसका टाइम पीरियड होता है, ऐसे देखो मान लो कि ये टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का, ऐसा देखो पेंडुलम कैसा होता है, एक धागा ले लो, वहां से एक बॉल को लटका दो, ठीक है, बॉल को बॉल में यहाँ पे छेद करके लटका दिया। अब क्या होता है, तुमने तो हिलाया, ये बॉल कैसी जाएगी, ये बॉल ऐसी जाएगी, पहले यहाँ पे आएगी, ठीक है, फिर वो यहाँ से यहाँ पे आएगी, ठीक है, फिर वो यहाँ से यहाँ पे जाएगी, फिर वो यहाँ से यहाँ पे आएगी, तो क्या होता है, ये इधर गई फिर इधर आई फिर इधर जाएगी फिर नीचे आएगी, तो पूरा चक्कर जो काटती है ना उसमें कुछ समय लगता है, उस पूरे चक्कर काटने में जो समय लगता है उस समय को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है, तो चक्कर काटने में जो पूरा समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। क्लियर, टाइम पीरियड किससे मेजर होता है, घड़ी से मेजर होता है, ठीक है, टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है, टी होता है, कोई इस पे शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। टाइम पीरियड का डायमेंशन, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम होता है एक तरह का, डायमेंशन क्या होगा, टी होगा, ठीक है। अच्छा ये फिगर में हटा देता हूँ एक बार, ये बात करते हैं आगे कि चेक करके बताओ ये जो फॉर्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कितने टर्म है, तो आंसर है दो टर्म है, एक टर्म और एक दूसरा टर्म है, दो टर्म हम इस पे ऐसे लिखते हैं, दो टर्म में लिखते हैं डायमेंशन ऑफ LHS, ये क्या हो जाएगा टी, फिर हम लिखते हैं डायमेंशन ऑफ RHS, ये क्या हो जाएगा, देखो ये 2 पाई है, 2 पाई कांस्टेंट होता है, पाई 3.14 होता है, कांस्टेंट होता है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है, रूट ओवर रूट में क्या लिखेंगे, एल लेंथ का एल हो जाएगा, जी का क्या होता है, जी ग्रेविटी होती है, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन कोई वजह से भी हो, ठीक है, चाहे ग्रेविटी का हो चाहे किसी और का हो, उसका डायमेंशन कैसा होता है, हमेशा सेम रहता है, तो जी का एक्सेलरेशन क्या लेंगे, डायमेंशन क्या लेंगे, LT-2, बड़े जी जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन कोई वजह से भी हो, डायमेंशन हमेशा एक्सेलरेशन का क्या होता है, तो आंसर है LT-2 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। हाँ ऐसा हो लिख दिया हमने, ये एल एल कट जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे रूट भी आ रहा ना, रूट मतलब क्या होता है, 1/2 पावर होता है, बोलेगा कि कभी भी रूट है, बोला कि √2 है, √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, ये एल एल कट जाएगा, ये ऊपर चला गया, टी का स्क्वायर बचा, टी का स्क्वायर पावर 1/2, ये क्या बचेगा, टी बचेगा, ठीक है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ RHS, ठीक है, तो हमारा LHS का डायमेंशन क्या हो गया, टी, हमारे RHS का डायमेंशन क्या हो गया, टी हो गया, ठीक है, तो सिंस डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, देयरफॉर फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, क्लियर, ये हमारा फॉर्मूला कैसा है, डायमेंशनली करेक्ट, क्लियर होगी बात सबको, ओके। तो ये हमारा तरीका हो गया फॉर्मूला चेक करने का कि फॉर्मूला सही है कि गलत, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो ना एग्जाम में आते हैं, ठीक है, जिसपे हमको बोला जाएगा कि डायमेंशन चेक करके बताओ फॉर्मूला सही है कि गलत है। अब जैसे देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एक सम और देख लो, बोला गया कि एक रस्सी है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉल को बांध दिया गया और रस्सी को घुमाया गया गोल गोल, ये पत्थर कैसा घूमेगा, ये पत्थर घूमेगा गोल गोल वाले पाथ पे, ऐसे घूमेगा ना, सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, ये यहाँ पे हमने पकड़ के रखा हुआ, ये गोल गोल घूमेगा। बोला गया ना कि इस पत्थर का मास m है, इस पत्थर की स्पीड जो है ना v है, और इसका रेडियस क्या r है, तो जो फोर्स लगता है ना पत्थर के ऊपर, ठीक है, जब घुमाते हैं तो रस्सी कैसी बिल्कुल तन जाती है, उंगली में दर्द भी होती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, धागे की वजह से हमारे हाथ पे फोर्स लगता है। बोला गया कि वो फोर्स का किसी ने फॉर्मूला दिया, किसी साइंटिस्ट ने, mv2/r, फोर्स का फॉर्मूला क्या दिया साइंटिस्ट ने, mv2/r, ये फोर्स किस पे लगता है, पत्थर पे लगता है, तो किसी ने बोला कि फोर्स का फॉर्मूला mv2/r है, यहाँ पे m क्या है, m मास है पत्थर का, मास ऑफ स्टोन, v क्या है, स्पीड है,
आर क्या है? रेडियस है। तो बोला कि बताओ इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला सही है कि गलत है। तो हमने बोला कि अच्छा ये फॉर्मूले में क्या यहाँ पे फोर्स है, एफ इज फोर्स ही है। What is F is? F is. अब क्या करते हैं यहां पे ये एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया, एक टर्म दूसरा टर्म, यहां पे लिखते हैं हम लोग डायमेंशन ऑफ LHS। F क्या फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT माइनस 2 होता है। डायमेंशन ऑफ RHS ये क्या है, m से मास हो गया m, v क्या हो गई वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड का क्या होता है LT माइनस 1 होता है, स्क्वायर कर दो। r क्या है, रेडियस, मैंने बताया था रेडियस स्केल से नापते हैं, इसका डायमेंशन l होता है, ठीक है। ये भी क्या ले सकता हूं m एल स्क्वायर टी माइनस 2 बाय एल, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2। देखो तो इसका LHS का डायमेंशन क्या आ रहा है, एम एल टी माइनस 2 है, RHS का डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस 2 है, दोनों का डायमेंशन कैसे आ रहा है, LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन कैसा आ रहा है, तो आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। तो हमारा जो फॉर्मूला वो कैसा होगा, डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, मतलब जिस साइंटिस्ट ने फॉर्मूला दिया तो ये फॉर्मूला कैसा सही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों LHS के RHS के डायमेंशन कैसे आ रहे हैं, तो वो सेम आ रहे हैं, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है, तो हमको सॉल्व करना उसको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो ये एक कैटेगरी के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, अब कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, और देखो बोल देगा एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि एक फॉर्मूला हमको दिया गया है, वो फॉर्मूला है v इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है, ये बोला गया फॉर्मूला है, ठीक है, जहां पे v क्या है, वेलोसिटी, ए टी क्या है, टाइम। देखो ये कुछ चीजें तुमको ध्यान में रखनी है, जैसे v वेलोसिटी, t टाइम, x डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये सब कुछ हमको याद रखना है। यहाँ पे a और b क्या है, a और b कांस्टेंट, a और b कैसे कांस्टेंट, तो हमें क्या बताना है a का और b का डायमेंशन क्या होगा, क्लियर, हमें क्या बताना है a का और b का डायमेंशन बताना। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, एक और बी का डायमेंशन बताना। हम पहले देखते हैं उस चीज को पकड़ो जिसका तुमको डायमेंशन पूरी तरह से पता है, ये वेलोसिटी का डायमेंशन मुझे फुल्ली पता है, ये क्या होता है, एल टी माइनस 1 होता है, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे हम, देखो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इस इक्वेशन में हर एक टर्म का डायमेंशन कैसा होना चाहिए, तो आंसर है सेम होना चाहिए। अगर इसमें हर एक टर्म का डायमेंशन अगर सेम होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, डायमेंशन ऑफ, हमको निकालना एक और बी का है, तो हम बोल सकते हैं ना ए टी का डायमेंशन ए टाइम का टी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए को एक काम करो बाहर रखो, ए टी का डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी के, एल टी माइनस 1, ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी नीचे आ जाएगा, ऊपर जाकर टी माइनस 2 बचेगा ना, अगर हमसे पूछा जाएगा बी टी स्क्वायर का डायमेंशन, तो बी टी स्क्वायर इसका डायमेंशन किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी के, एल टी माइनस 1 हो जाएगा। B का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1, नीचे टी स्क्वायर को भेज दो,
जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा एल, ये ऊपर जाके माइनस टू हो जाएगा, तो माइनस टू माइनस वन एल टी माइनस सी हो जाएगा। ये ऐसे हमने किसके डायमेंशन निकाल लिया, ए के और बी के। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हम लोग ऐसे दो, एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो हमको और ज्यादा क्लियर आइडिया मिलेगा। जैसे कि हमसे हमें बोला जाएगा कि अगर हमसे बोला गया कि एक है फोर्स, ठीक है, फोर्स को हमने क्या किया है ए इंटू वेलोसिटी कर दिया, ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मूला है। ये एफ क्या है फोर्स, ये क्या है, ये ए एक कांस्टेंट है, बी क्या है वेलोसिटी है, बताओ ए का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपको किसका डायमेंशन पता पूरी तरह से, फोर्स का। ये पूरी तरह से तो पता नहीं ना है कि ए का हमको पता नहीं है, ये पता पूरी तरह से अकेला ये हमको ऐसा, तो हम क्या लिख सकते हैं ए इंटू बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ए इंटू वेलोसिटी का क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन इक्वल टू इसके इक्वल होगा फोर्स के, फोर्स का क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, ये ए का क्या हो जाएगा एम, ये ए के नीचे आके कट जाएगा, ठीक है, एम एल टी माइनस टू बाय एल टी माइनस वन, ये तो एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस वन है, तब ये ऊपर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एम टी माइनस माइनस टू प्लस, ऊपर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन क्या देगा माइनस वन देगा ना, ये हमारा हो जाएगा ए का डायमेंशन। इसमें एल नहीं आ रहा है तो हम चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं एम एल जीरो टी माइनस वन। क्लियर, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन के मैं होमवर्क भी दूंगा जो कि सॉल्व करना बैठे घर पे। अच्छा, अभी देखते हैं हम लोग एक दो क्वेश्चन हम लोग और अच्छे लेवल के देखते हैं। अभी ऐसे क्वेश्चन होंगे, देखो अल्फा बाय टी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी प्लस बीटा बाय टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया हमको कि अल्फा और बीटा का डायमेंशन बताओ क्या हो, अल्फा का और बीटा का, जहां पे एफ क्या है एफ फोर्स है, बी क्या है वेलोसिटी, टी क्या है टाइम, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि इसमें जो है ना हर एक टर्म का डायमेंशन बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हर एक टर्म का डायमेंशन कैसा होगा, तो सेम होगा, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया, हर एक टर्म का डायमेंशन कैसा होगा, तो आंसर है सेम होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं अल्फा बाय टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टाइम का टी होता है ना, टाइम का क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर और टी का स्क्वायर हो जाएगा फोर्स, फोर्स का अभी हमने जस्ट सीखा था एम एल टी माइनस टू इंटू वेलोसिटी का हमने क्या सीखा था एल टी माइनस वन सीखा था, क्योंकि देखो यहाँ पे हमको अल्फा निकालना है, किसका डायमेंशन हमको पूरी तरह से पता है तो एफ इंटू वी का, बिकॉज ये फोर्स का पता है वेलोसिटी का पता है दोनों का पता है, इसलिए ये पूरा हमको नोन है, ये अननोन है, ये वाला अननोन है, ये दोनों अननोन है, फर्स्ट वाला भी अननोन है टर्म और थर्ड वाला टर्म भी क्या अननोन है, सेकेंड वाला फुल्ली पता है हमको, सेकेंड का हम प्रॉपर यूज करेंगे, ठीक है। तो अल्फा बाय टी स्क्वायर क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू इंटू एल टी माइनस वन, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, एक मिनट, अल्फा क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा, ऐड करके देख लो एल का पावर वन है, एल का पावर वन है टी माइनस थ्री इंटू
ये टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर माइनस थ्री प्लस टू क्या हो जाएगा, माइनस वन। ये हमारा हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला फॉर अल्फा। ठीक है, क्या रूल क्या पकड़ना है, उसको पहले पकड़ो जो तुमको पूरी तरह से पता है। इसको मैंने पकड़ा, फिर इसका और इसका डायमेंशन बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, इक्वल टू साइन आ रहा है ना, ये एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होता है बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसलिए अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे निकाला डायमेंशन किसका, बीटा बाय टी स्क्वायर का। तो बीटा बाय टी स्क्वायर का जो डायमेंशन निकालना है, तो मैं क्या ले सकता हूं, बीटा बाय टी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा एफ इंटू वेलोसिटी का, एफ क्या है, एम एल टी माइनस टू है, इंटू वेलोसिटी का क्या होगा, एल टी माइनस वन होगा। तो बीटा बाय टी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, जैसे पहले ही किया था, फिर हमने इसी को पकड़ा है, इसी का डायमेंशन पता ना, तो एफ इंटू एफ का हो जाएगा, इसका डायमेंशन क्या है, एफ है एम एल टी माइनस टू, वी का क्या, एल टी माइनस वन है, तो बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो टी माइनस थ्री प्लस टू क्या बचेगा, माइनस वन बचेगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बीटा का डायमेंशन। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो कि हमको ऐसे सॉल्व करना होगा। तो आज हमने क्या सीखा है, आज हमने डायमेंशन का एक यूज सीखा है कि हम इससे चेक कर सकते हैं कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, और अगर हमारे फॉर्मूले में कुछ अगर ऐसी क्वांटिटी है जिसके डायमेंशन हमको नहीं पता है, उसको हम लोग निकाल भी सकते हैं। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन। ठीक है, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया, इसके दो यूज और बचे जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर, ओके, चलो अभी मैं क्लास बंद करता हूँ, बाय।